दोस्तों नमस्कार। यूपीपीएससी स्टाफनर्स द्वारा 21 भर्ती पर पड़ी याचिका पर अगली हियरिंग आज हुई हाई कोर्ट इलाहाबाद के कोर्ट नंबर 33 में। इस याचिका पर सुनवाई ऑनरेबल जज महोदया मंजू रानी चौहान जी कर रही हैं। क्या कुछ हुआ आज की हियरिंग में, इसी पर है यह वीडियो। दोस्तों आज कोर्ट में याचिका से जुड़े मामलों में कुछ हद तक या यूँ कहिए कुछ देर तक ही सुना गया। अन्य बहुत सी याचिकाएँ केस लिस्टेड थे जिस वजह से निर्धारित समय से ज़्यादा इस याचिका पर हियरिंग नहीं हुई। आज की सुनवाई में लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य सरकार को भी लगाए गए आरोपों पर जवाब देना था। राज्य सरकार की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसल मिस्टर के आर सिंह उपस्थित थे तथा आयोग की तरफ से चीफ स्टैंडिंग काउंसल मिस्टर निशित यादव उपस्थित थे। यहाँ चीफ स्टैंडिंग काउंसल का मतलब है मुख्य स्थायी परामर्शदाता। दोनों ने कोर्ट को बताया कि वह राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त करेंगे कि क्या राज्य सरकार ने आयोग को कोई दिशा निर्देश दिए हैं स्टाफ नर्स अनुभव प्रमाण पत्र के विषय में कि किस बारीकी स्तर से जांचना है जिससे समस्या उत्पन्न हुई है याची को तथा अन्य याचियों को। जज महोदया ने अगली सुनवाई नेक्स्ट डे यानी 21 अप्रैल को कर दी। दोस्तों आज की हियरिंग से इतना तो कन्फर्म लग रहा है कि याचिका का मुख्य बिंदु अनुभव प्रमाण पत्र बन गया है। जाहिर सी बात है नौकरी में एक नंबर के बहुत मायने हैं, फिर यहाँ तो 12 से 15 नंबर की बात है। पर दोस्तों एक बात का और निष्कर्ष निकल रहा है कि ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, स्टे नहीं लगेगा, क्योंकि आयोग दिशा निर्देश के हिसाब से चल रहा है, अड़ियल रवैया नहीं अपनाया है। इस वैकेंसी में 2000 के आसपास सीटें खाली हैं, तो न ही जज को जल्दबाजी है और न ही आयोग को कोई आपत्ति है। मामला अनुभव प्रमाण पत्र पर अटक गया है जिसकी गेंद अब राज्य सरकार के पाले में है। राज्य सरकार ने क्या मानक बनाए हैं स्टाफ नर्स अनुभव प्रमाण पत्र के लिए? अगर मानक के आसपास होगा याचियों का अनुभव प्रमाण पत्र तो कोई दिक्कत नहीं होगी और इनको भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म में अगर संविदा एम्प्लॉय वाले ऑप्शन में नो किया होगा तो फिर यह कोर्ट के जज के विवेकाधिकार पर निर्भर करेगा कि मानव भूल मानते हुए याचियों के भविष्य को देखते हुए याचियों को भर्ती में शामिल होने के लिए कहेगी या बड़ी भूल मानते हुए याचिका ही खारिज करेगी। इसका जवाब भविष्य में छिपा है जो भूतकाल के फैसलों से भी जुड़ा है। इस पर अभी ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। दोस्तों कुल मिलाकर ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दोनों पक्षों को बराबर सुना जा रहा है, नरम मिजाज के साथ केस आगे बढ़ रही है। लगातार हियरिंग करके एक दो सुनवाई में कोर्ट फैसला दे देगी, वैसे ही जैसे 2017 वाली भर्ती में हुआ था। सेलेक्टेड अभ्यर्थियों को फरवरी 2019 में ज्वाइनिंग दे दी गई तथा कोर्ट में मामला एक याचिका पर चल भी रहा था जिसमें एक अभ्यर्थी को 2020 में ज्वाइनिंग दी गई। दोस्तों आज की हियरिंग की सारी बातें सारे सार यही थे। कम्युनिटी टैब पर भी इस भर्ती से जुड़ी सभी अपडेट उपलब्ध कराई जा रही है, आप कम्युनिटी टैब पर भी विजिट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, सारी अपडेट्स विश्लेषण के साथ आपको इस चैनल पर मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।